नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ के शिव कुटिया से आज़ाद वाटिका हाउसिंग बोर्ड में निकाली गई है आज कलश यात्रा। आपको बताना चाहेंगे कि अर्पण सेवा संस्थान ट्रस्ट वृंदावन के तत्वाधान में कथा भी की जाएगी और 21 तारीख से 28 फरवरी तक यह कथा का कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड के आज़ाद वाटिका में चलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रज रसिक नरेंद्र माधव जी महाराज इसमें कथा करेंगे और धार्मिक आयोजन के तहत वह अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर अलग अलग सब्जेक्ट पर इस कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और ख़ासकर नशों से दूर रहने के लिए उनका फोकस भी हनुमानगढ़ की कथा के अंदर रहेगा। आपको बता रहे हैं अजय शर्मा की क्या कार्यक्रम रहेंगे। अजय शर्मा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से हूँ। हमारे यहाँ पे गत 5 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा रेगुलर हो रही है। ये 6ठे वर्ष की कथा है और यहाँ कथावाचक श्री नरेंद्र माधव जी महाराज वृंदावन से आते हैं और जो कथा का प्रवचन करते हैं। तो अब 21 तारीख से 28 तारीख तक हमारे हाउसिंग बोर्ड आज़ाद वाटिका के अंदर ये कथा चलेगी। आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वो शिव कुटिया से लेकर और आज़ाद वाटिका तक जाएगी। उसके दौरान रेगुलर ये कथा 28 तारीख तक चलेगी और बाद में 29 तारीख को इसका वो मतलब भंडारा लगाया जाएगा। जो कथा जो कर रहे हो इसका समय क्या रहेगा? इसका समय 3 से लेकर 5 बजे तक। 3 से 5 बजे तक क्या कार्यक्रम है आज का? आज हाउसिंग बोर्ड के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा हर वर्ष श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है और ये 6ठा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से, बड़ी रीति नीति के साथ में सभी भाई बहन, माताएं, बहन, बुजुर्ग, बच्चों और सभी में बहुत काफ़ी उत्साह है और कलश यात्रा का आरंभ किया जा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे धूमधाम से जिस तरीके से हर साल मनाया जाता है उससे भी बहुत बढ़िया तरीके से इस बार मनाया जा रहा है। पूरे शहरवासी साथ में है और सारे जो टीम है अपने अपने दायित्वों में लगी हुई है। हाउसिंग बोर्ड में निकलने वाली आज की कलश यात्रा में खास रूप से सुमित रेणवा वार्ड पार्षद भी वहां उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर कलम न्यूज़ के द्वारा ब्रज रसिक नरेंद्र माधव जी महाराज से भी बातचीत की गई है कि कथा का जो कार्यक्रम है 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा उसके अंदर किस प्रकार के धार्मिक प्रवचनों के द्वारा जनता को जागरूक करने का, जनता को धर्म से जोड़ने का कार्य चलेगा। आइए सुनाते हैं कि महाराज का क्या कहना है। आज का जो कार्यक्रम है ये शिव कुटिया से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और ये अर्पण सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है वृंदावन उसके तत्वाधान में लगातार 6 वर्षों से आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य केवल सामाजिक और धार्मिक समरसता और लोगों में ठाकुर जी के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना है। और आज बड़ी सुंदर आप जैसा कि देख रहे हैं भव्य कलश यात्रा होगी और प्रथम दिवस महात्म की कथा होगी। पूरे हाउसिंग बोर्ड की परिक्रमा करते हुए आज़ाद वाटिका में कथा स्थल तक पहुँचेगी। गुरु जी, खास करके जो युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में जा रही है, इसके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या युवाओं को कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से जो हमारी इस भागवत कथा का उद्देश्य होता है वो केवल धार्मिक प्रचार करना ही नहीं होता, इसमें हम उन सभी सामाजिक जो समस्याएं हैं, वेदनाएं, उनको उठाते हैं, युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए कि जब तक हम अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पर नहीं लाएंगे, यदि हम अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रशस्त करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो कुरूतियाँ हैं या नशे के प्रति जो हमारी झुकाव है वो समाप्त होता चला जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से हम प्रेरित करते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना को लाते हैं और उनको नशे की जो नुकसान हैं, जो खतरे हैं, उनसे अवगत भी कराना हमारे मंच का कार्य होता है। हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा समय धार्मिक कार्यों के भी लिए निकालना चाहिए और या भी धार्मिक आयोजनों वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने से पीछे भी नहीं रहना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।